नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी और आप देख रहे हैं हमारा खास शो गुड मॉर्निंग इंडिया। गुड मॉर्निंग इंडिया में खबरों का रुख कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 सितंबर को शिक्षक पर्व के उद्घाटन सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे। इस मौके पर कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी शिक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण पहलों से भी का भी शुभारंभ करेंगे और ऐसे में प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी, टॉकिंग बुक्स, स्कूल क्वालिटी एसोसिएशन एंड असेसमेंट फॉर्म वर्क ऑफ सीबीएसई एंड आईयूपीए, भारत और विद्यांजलि पोर्टल के जरिए एनआईएसएच टीएचए शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। बता दें, पीएमओ की ओर से कहा गया है कि शिक्षण पर्व 2021 का विषय गुणवत्ता और सतत स्कूल, भारत में स्कूलों से सीखना है। इसका उत्सव न केवल सभी स्तरों पर शिक्षा की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए है, बल्कि देश भर के स्कूलों में गुणवत्ता, समावेशी प्रथाओं और स्थिरता में सुधार के लिए नवीन कार्यप्रणाली को प्रोत्साहित भी करेगा। उत्तर प्रदेश में अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की 2 सदस्यीय बैठक हुई। प्रदेश पदाधिकारी और कार्य समिति बैठक का समापन आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। इस बैठक के जरिए बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं की केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं के साथ बूथ और मंडल इकाइयों से लेकर जिलों तक संगठन को मजबूती देना, साथ ही 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए जिम्मेदारी और जवाबदेही तय करेगी। बता दें कि बैठक आज सुबह 11:15 इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान गोमती नगर में आयोजित की जा रही है और इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के स्वतंत्र देव सिंह, बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती मनाती श्रीनिवास शामिल होंगे। इस महत्वपूर्ण बैठक में उत्तर प्रदेश से मनोनीत केंद्रीय पदाधिकारी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य, क्षेत्रीय पदाधिकारी और सभी जनपदों के जिला अध्यक्ष और जिला महामंत्री बहने भी उपस्थित रहेंगी। पैरा ओलंपिक 2020 में सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रचने वाले गौतम बुद्ध नगर के जेवर क्षेत्र के छोटे से गांव गोविंदगढ़ के गांव के रहने वाले प्रवीण कुमार ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतकर पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन कर दिया है। प्रवीण कुमार ने हाई जंप में टोक्यो पैरा ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता है और गाँव का नाम, क्षेत्र का नाम और देश का नाम रोशन कर दिया। बता दें, ग्रेटर नोएडा से करीब 48 किलोमीटर दूर ये गाँव गोविंदगढ़ में स्थित है, जहां के लिए ना तो अभी अच्छे रास्ते हैं और ना ही गांव में कोई खेल का स्थान है और ना ही गांव में कोई बड़ा विद्यालय है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रवीण कुमार ने पूरी दुनिया में इस गांव का नाम रोशन कर दिया है। उनके पिता अमरपाल सिंह सिंचाई विभाग में कार्यरत हैं और मां गृहिणी हैं। बता दें, प्रवीण कुल 3 भाई बहन हैं और उनके पिता ने बताया कि प्रवीण ने शुरुआत से ही बहुत मेहनत की है, उसने कभी खुद को विकलांग नहीं माना है और ऐसे में उसने हमेशा गांव के हर खेल में हिस्सा लिया और वो सब बच्चों के साथ खेलता था और बेहतर खेलता था। साथ ही उनको वॉलीबॉल का बहुत शौक था। साथ ही बता दें कि प्रज्ञान स्कूल में पढ़ते समय उसे हाई जंप का शौक लगा और वो वहीं से आगे बढ़ता चला गया। उनके पिता ने बताया कि आज उन्हें अपने बेटे पर गर्व है, उन्होंने पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन कर दिया है। सिल्वर पदक विजेता प्रवीण कुमार की माताजी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। जब जो है प्रवीण शुरू में छोटा सा खेला करते थे, तो आप क्या उन्हें प्रोत्साहित करती थी, कहती थी कि यहाँ खेलो या पढ़ाई करो? छोटा सा तो वो पहले तो 2-3 साल का था, जब तो अपने आप ही किसी पर चढ़ जा, खाटों पर लटक जाता था और वैसे किवाड़ की उन्हें पकड़ के चकता था, कोशिश करता था उन्हें, मैडम बेटे ऐसे मत किया करो, पैर में लग जाएगी चोट, मैं चोट है पैर में, पर वो नहीं मानते थे। थोड़ी लिए देर तेरी लिए तो मम्मी ठीक है, बाकी फिर उसी काम पर लग जाते, फिर पढ़ने भी जाने लगे। और पढ़ने जाने लगे तो फिर स्कूल में भी वो होने जाए, देखे जैसे बालक खेलने लगे तो उनके संग खेलने लगे। फिर उन्होंने कहीं उनका वो
गए सिलेक्शन करे बाहर ले गए, फिर कहने मतलब जो है उनको खेल में जुट गए। अब आपका नाम पूरी दुनिया में रोशन कर दिया आपके बेटे ने, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, ऐसे ही रोशन करे, देश का नाम रोशन करे। मेरा क्या बेटा है, सारे देश का बेटा है। मैं यूँ ही चाहूँ कि वो ऐसे ही नाम रोशन करे। अब प्रवीण जीत के आने वाले हैं, क्या तैयारियाँ, किस तरह से स्वागत करोगे? देखो एयरपोर्ट पे पहुँचेंगे पहली बार तो सीधा, जैसे ही अपने प्रवीण भाई अपने एयरपोर्ट पे आएंगे 7 तारीख को शाम को 4 बजे ऐसा बता रहे हैं उनके कोच साहब, तो पहले एयरपोर्ट पे ही वहीं से भव्य स्वागत बहुत जोर तोर तरीके से हम उसकी तैयारियों में लगे हुए हैं। जैसे ही हमारे प्रवीण भाई यहाँ पे आएंगे तो हम उसका बहुत जोर तोर तरीके से बहुत अच्छे तरीके से स्वागत करेंगे। और आप तो जानते होंगे और क्या क्या खेल इसके अलावा वो खेलते थे? वॉलीबॉल में बहुत इंटरेस्ट रहा उनको, जैसे हमारे प्राइमरी स्कूल पे बच्चे यहाँ खेलते हैं तो उनका जो एक टैलेंट था उनको जब आप खेलता हुआ देखोगे प्रवीण कुमार को तो आपको उनकी ऊर्जा उनका जो टैलेंट है, आप मैं ये कह रहा हूँ कोई भी खेल के प्रति रुचि रखता होगा वो उनको खेलता हुआ देखेगा तो गजब का उनमें टैलेंट उनका देखने के लायक था। एक ऊर्जा होती है, कुछ कर गुजरने का जज्बा होता है एक बच्चे के अंदर इतनी कम उम्र में। मुझे लगता है कि पैरा ओलंपिक में सबसे कम एज उनकी है 18 साल, और कोई पैरा ओलंपिक में इतना कम अंडर एज नहीं है। उद्योग मंत्री विक्रम सिंह की अध्यक्षता में रविवार को चंडीगढ़ में राज्य सरकार ने कार्यक्रम में कई औद्योगिक क्षेत्रों में 3,307 करोड़ रुपए के निवेश को लेकर 27 MOU यानी कि समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए हैं। इससे प्रदेश में लगभग 15,000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। और मैसेंजर पिटारा टीवी ने बता दें प्रदेश में फिल्म सिटी स्थापित करने के लिए 100 करोड़ रुपए का MOU साइन किया है। बता दें कि प्रदेश सरकार दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी करने जा रही है और इसके लिए 15,000 करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। इसी के तहत MOU साइन किए गए हैं और ऐसे में प्रदेश में इथेनॉल उत्पादन के लिए 1,000 करोड़ रुपए की लागत के कुल 6 समझौते ज्ञापन हस्ताक्षरित किए गए हैं। बता दें मैसेंजर्स ट्राइडेंट कंपनी ने टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने के लिए 800 करोड़ रुपए का समझौता ज्ञापन और मैसेंजर बेटर टुमरो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड ने निजी औद्योगिक पार्क स्थापित करने के लिए 490 करोड़ रुपए का समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया है। ऐसे में मैसेंजर माधव एग्रो ने निजी औद्योगिक पार्क स्थापित करने के लिए 400 करोड़ रुपए और मैसेंजर हिमालयन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट ने प्रदेश में पहले कौशल विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए 150 करोड़ रुपए के समझौते का ज्ञापन साइन किया है। साथ ही बता दें अपोलो अस्पताल के फ्रेंचाइजी मैसेंजर मेटाफिक हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड 250 बिस्तरों वाला अस्पताल स्थापित करने के लिए 150 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। वहीं मैसेंजर्स के तौर पर 100 करोड़ रुपए से क्राफ्ट और डेवलपमेंट बोर्ड के निर्माण का उद्योग भी लाएगा। ऐसे में भारत सरकार के मिश्रित ईंधन और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में इथेनॉल निर्माताओं को आमंत्रित भी किया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत सोमवार यानी कि आज मुंबई के एक पंच सितारा होटल में मुस्लिम समुदाय के विद्वानों के साथ मुलाकात करने वाले हैं। बता दें संघ के सूत्रों ने इस बात की पुष्टि की है और भागवत ने जुलाई में गाजियाबाद में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के एक सम्मेलन में भी शिरकत की थी। इस सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि हिंदू मुस्लिम एकता का की अवधारणा को गलत तरीके से पेश किया गया है क्योंकि उनमें कोई अंतर ही नहीं है। ये बात सिद्ध हो चुकी है कि हम दोनों ही समुदाय 40,000 साल पुराने एक ही पूर्वजों की संतान हैं। भारत के लोगों का समान डीएनए है और संघ प्रमुख के मुस्लिम विद्वानों से मुलाकात करने की जानकारी संघ के 3 दिवसीय समन्वय सम्मेलन के दौरान सामने आई है। ऐसे में बता दें नागपुर में संघ मुख्यालय में 3 सितंबर से चल रहे इस सम्मेलन का रविवार को समापन हुआ और इस बार सम्मेलन का मुख्य एजेंडा उत्तर प्रदेश उत्तराखंड समेत 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा करना था। ऐसे में संघ प्रमुख की मुस्लिम विद्वानों से मुलाकात को भी इसी रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने रविवार को अपना मुखपत्र कहे जाने वाली साप्ताहिक
पांच जने में प्रमुख भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनी इंफोसिस के खिलाफ छपे लेख से भी दूरी बना ली है। देश में दक्षिण पश्चिम मॉनसून एक बार फिर से सक्रिय हो गया है। जी हां, इससे देश के कई राज्यों में भारी बारिश का दौर शुरू हो चुका है और ऐसे में मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मॉनसून के पुनः सक्रिय होने से अगले तीन दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिम और उत्तर भारत के कई हिस्सों में भारी बारिश होने की आशंका है। वहीं मौसम का पुनः अनुमान जारी करने वाली एक एजेंसी ने बताया है कि पूर्वी मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने चक्रवाती हवाओं के चलते अगले 24 घंटे के दौरान कम दबाव का क्षेत्र विकसित होगा, जिससे मौसम में काफी बदलाव आएगा। ऐसे में मौसम विभाग ने कहा है कि अगले तीन दिनों के दौरान कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। हालांकि इसके बाद बारिश की तीव्रता में कमी जरूर आएगी। वहीं 7 से 9 सितंबर के दौरान हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर पंजाब, जम्मू कश्मीर और पूर्वी राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश होने का अनुमान है। वहीं मौसम विभाग की ओर से जारी ऑल इंडिया वेदर बुलेटिन में कहा गया है कि 5 से 7 सितंबर तक दक्षिण ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, विदर्भ और दक्षिण छत्तीसगढ़ में भारी से बहुत भारी बारिश होने के आसार हैं। वहीं 7 से 9 सितंबर तक उत्तरी मराठवाड़ा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तरी कोंकण और गुजरात क्षेत्र में भी बारिश होने की संभावना है। वहीं मौजूदा वक्त में भारी बारिश के चलते देश के कई हिस्सों में बाढ़ जैसी समस्या खड़ी हो गई है और ऐसे में बता दें, जानकारी के मुताबिक असम में अब भी 1.5 लाख के करीब लोग जो हैं वो बाढ़ से प्रभावित हैं और असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से साझा की गई जानकारी के मुताबिक बारपेटा, चिरांग, दरंग, धेमाजी, गोलपाड़ा, गोलाघाट, मोरीगांव और नगांव जिले में कम से कम 1,18,300 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। वहीं गोलाघाट जिले में सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है, जहां लगभग 48,000 से ज़्यादा लोग इस संकट का सामना कर रहे हैं। कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण अभियान में भारत लगातार अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है। अब तक 68 करोड़ से ज्यादा कोरोना रोधी टीके लगाए जा चुके हैं और दिनों दिन टीकाकरण की रफ्तार और ज्यादा बढ़ रही है। पिछले महीने यानी कि अगस्त में भारत ने 18 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए थे, जो G7 देशों में लगाए गए कुल टीकों से भी ज्यादा हैं। G7 दुनिया के 7 सबसे बड़े विकसित देशों का समूह है। इसमें कनाडा, ब्रिटेन, इटली, जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका और जापान शामिल है। अगस्त में इन 7 देशों में से जापान में कोरोना रोधी वैक्सीन की सबसे ज्यादा 4 करोड़ डोज लगाई गई। इसके बाद अमेरिका में 2 करोड़ के करीब और फ्रांस में 1 करोड़ के करीब, जर्मनी में 90 लाख, इटली में 80 लाख, ब्रिटेन में 50 लाख और कनाडा में 30 लाख डोज दी गई। अगर इन 7 देशों में अगस्त में लगाई गई डोज को जोड़ दें तो ये कुल आंकड़ा 10 करोड़ के आसपास बैठता है, जबकि भारत में इस दौरान 18 करोड़ डोज लगाई गई। भारत में अब तक 68 करोड़ से ज्यादा डोज लगाई जा चुकी हैं और ऐसे में 50 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को पहली डोज दी जा चुकी है। इसमें 31 अगस्त को रिकॉर्ड 1 करोड़ से ज्यादा डोज लगाई गई थी और अगस्त के बाद भी टीकाकरण की रफ्तार तेज बनी हुई है और रविवार को छोड़कर प्रतिदिन औसतन 60 लाख टीके लगाए जा रहे हैं। ऐसे में भारत ने में 16 जनवरी को भारत में सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई थी। इनमें स्वास्थ्यकर्मी, सफाईकर्मी और अग्रिम पंक्ति के कर्मचारी शामिल थे। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास व भारत के द्वितीय राष्ट्रपति, प्रख्यात शिक्षाविद, भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री आवास में उनकी फोटो पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। बता दें, देश हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाता है और 5 सितंबर का दिन भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। उन्होंने ही इस दिन को शिक्षकों को समर्पित करने की इच्छा जाहिर की थी, तो ऐसे में कल देहरादून में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था।
रोहतक हरियाणा के आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता पोपट भाई 1 जुलाई से पूरे भारतवर्ष में तिरंगा यात्रा लेकर निकले हैं, जिसमें वो पंजाब, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, सहारनपुर से होते हुए अब हरिद्वार पहुंच गए हैं। करनी भवन से आप कार्यकर्ताओं ने तिरंगा यात्रा पर निकले पोपट भाई को माल्यार्पण कर उनका स्वागत किया और इस अवसर पर पोपट भाई ने बताया कि वो जनता के बीच जाकर दिल्ली सरकार की तरफ से किए गए कामों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और दिल्ली की तर्ज पर पूरे देश में आम आदमी पार्टी की सरकार बनते हुए देखना चाहते हैं। मैं हरियाणा के 3-4 डिस्ट्रिक्ट से होते हुए मैं पटियाला पहुंचा था पंजाब में, और पंजाब में अपना पटियाला से लुधियाना, जलंधर, अमृतसर, डेरा बाबा नानक जो पाकिस्तान बॉर्डर पर है, वहां से गुरदासपुर होते हुए मैं पठानकोट पहुंचा था। उसके बाद मैं जम्मू कटरा वैष्णो देवी गया था, वापस मैं पठानकोट आया, फिर होशियारपुर होते हुए रोपड़ होते हुए मैं चंडीगढ़ पहुंच गया था। तो चंडीगढ़ से अपने हरियाणा में यमुनानगर होते हुए, सहारनपुर होते हुए मैं अभी रुड़की और हरिद्वार पहुंच चुका हूं। क्या उद्देश्य है हमारे? आम आदमी पार्टी के सभी वर्कर मेहनत कर रहे हैं पार्टी के लिए, अरविंद केजरीवाल जी की नेक नहीं किया उन्हें प्रचार करने के लिए। दिल्ली में सरकार बनी, हमने काम देखे, जो धरातल पर उन्होंने काम किया, सभी आम आदमी परिवार को जो जरूरत थी वो पूरी की, तो उसी काम को लेकर के ये हर जगह राज्य में होनी चाहिए और हर जगह आम आदमी पार्टी की सरकार होनी चाहिए, क्योंकि हम कांग्रेस बीजेपी को देख कहने के थक चुके हैं, उन पर ही रहा है। तो मेन उद्देश्य यही है, पार्टी का प्रचार हो, पार्टी की सरकार बने, और कहीं ना कहीं आजकल जो हमारी नज़रों में या जनता जो अरविंद केजरीवाल को पीएम के चेहरे के रूप में देखने लगी है, हम उसमें सफलता पाए प्रचार करके। आम आदमी पार्टी जो हमारी एक भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए जो पैदा हुई है पार्टी, आंदोलन से निकली हुई पार्टी है और उसी की ये जुनून है पोपट भाई का। उन्होंने पूरी पदयात्रा करी है और जिस तरह से मेरी इनसे बातचीत हुई है, रात मेरी इनसे बातचीत हुई थी तो इन्होंने बताया कि लोग रोक रोक के पूछ रहे हैं, लोगों के मन में उत्साह है कि जिन लोगों को नहीं पता कि हाँ यहाँ पर आम आदमी पार्टी, वो लोग भी पूछ रहे हैं क्योंकि भाई की यहाँ उत्तराखंड में जो पदयात्रा शुरू हो गई है तो यहाँ तक कि बीजेपी वाले भी, भाई ने बताया था कि बीजेपी वाले भी रोक रोक के पूछ रहे थे, लेकिन जब वो इनसे तर्क वितर्क पे आते हैं तो उनको चुप होना पड़ता है। तो ये आम आदमी पार्टी का जो यहाँ पर उत्तराखंड में बदलाव होने जा रहा है, और ये भाई के मुख से भी मुझे पता चला कि रास्ते में लोगों का बहुत रुझान है। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रदेश के सभी शिक्षकों को हार्दिक बधाई दी। उन्होंने कहा कि शिक्षक देश और समाज के भविष्य निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अपने शुभकामना संदेश में विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि महान शिक्षाविद और भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण का जीवन सभी शिक्षकों के लिए प्रेरणा स्रोत है। आज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिन हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, और आज मेरे विधानसभा क्षेत्र के तमाम इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्यों को मैंने यहाँ सम्मानित करने का काम किया है। और चूंकि हम जानते हैं, हम लोगों ने कहा है, कभी सुना है कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, ऐसे गुरुओं का सम्मान करके आज हम लोग खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आज हम जहाँ भी हैं, जिस स्थिति में भी हैं, ये सब गुरुओं की कृपा है और गुरु दो शब्दों से बना है। चमोली में विकास खंड नारायण बगन में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया, जिसमें शासन और युवा कल्याण विभाग की ओर से युवक युवतियों के लिए 4 किलोमीटर मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें 77 युवाओं और 35 बच्चों के लिए दौड़ में अपना दमखम उन्होंने दिखाया। तहसील मुख्यालय पंती में आयोजित फिट इंडिया फ्रीडम मैराथन दौड़ में ब्लॉक प्रमुख, तहसीलदार, क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी, पुलिस उप निरीक्षक समेत तमाम लोग मौके पर मौजूद रहे। उत्तराखंड के ऋषिकेश में लॉयंस क्लब ऋषिकेश देवभूमि ने कुछ साल पहले लोगों को नेत्रदान कराने के लिए प्रति जागरूक करना शुरू किया था। पहले तो लोगों ने लॉयंस क्लब की इस पहल को बेतुका बताया, फिर धीरे धीरे जब ये जागरूकता परवान चढ़ी तो लोगों को इसका महत्व समझ में आया। अब अलायंस लॉयंस क्लब के साथ साथ पुलिस महकमा और प्रशासनिक अधिकारी भी
लोगों को इस संबंध में जागरूक कर रहे हैं। यहां तक कि एम्स के डॉक्टर भी लोगों को नेत्रदान करने के लिए जागरूक करने के लिए पीछे नहीं हट रहे हैं। इसी कड़ी में एम्स के डॉक्टरों और लॉयंस क्लब के सदस्यों ने मिलकर शहर में एक विशाल जन जागरूकता रैली निकाली, जिसका शुभारंभ एम्स के डायरेक्टर प्रोफेसर रविकांत ने हरी झंडी दिखाकर किया। रैली निकालने का उद्देश्य केवल यही है कि लोग शरीर त्यागने के बाद ज्यादा से ज्यादा नेत्रदान करें। पच्चीस अगस्त से एक नेत्रदान पखवाड़ा मनाया जाता है, जिसे हम जो है लोगों को नेत्रदान के लिए प्रोत्साहित करते हैं। उसी कड़ी में हमारी ये साइकिल रैली भी निकाली जा रही है, ठीक है, लोगों को मोटिवेट करने के लिए। ये किसके साथ हो रहा है मिलके? हैं? किसके साथ मिलके हो रहा? नेता एम्स के द्वारा। उद्धम सिंह नगर में भारत विकास परिषद सितारगंज की तरफ से सरस्वती शिशु मंदिर में शिक्षक दिवस पर विद्यालय के शिक्षकों को सम्मानित किया गया। सबसे पहले मां सरस्वती और भारत माता की फोटो के पास दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। और बता दें कि उपाध्यक्ष नरेश कंसल ने कहा कि शिक्षक समाज की रीढ़ है, हमारे जीवन में अच्छे और बुरे की पहचान शिक्षक ही दिलाता है। प्रांतीय प्रकल्प संयोजक महेश मित्तल ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षण एक मोमबत्ती की तरह खुद जलकर हमें प्रकाश देता है। और ऐसे में समाज सेवी दया राम जिंदल ने इस मौके पर कहा और सदस्यों को सम्मानित भी किया। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिन है और जो कि शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज हमने सरस्वती शिशु मंदिर के आचार्य बंधुओं को सम्मानित किया है इस मौके पर, क्योंकि शिक्षक जो है समाज की रीढ़ है। शिक्षक ही हमें समाज में जीने की कला सिखाता है। समाज में हमारा अस्तित्व है वो बिना शिक्षक के अधूरा है। हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमारे गुरुओं ने जो हमें प्रेरणा दी, हमें शिक्षा दी, उन्हीं प्रेरणा को आगे बढ़ाते हुए उन्हीं के आशीर्वाद से हम जो है समाज में आज जो कार्य कर रहे हैं उन्हीं का आशीर्वाद। गोरखपुर में महाराणा प्रताप बालिका इंटर कॉलेज में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण का जन्म दिवस मनाया गया और इस दौरान डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण के चित्र पर श्रद्धा सुमन चढ़ाए गए और यहां मौजूद शिक्षकों ने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण के बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया, साथ ही 41 शिक्षकों को सम्मानित भी किया गया। बता दें कि प्रधानाचार्य कृष्ण चटर्जी ने सभी शिक्षकों को सम्मानित किया। एक्चुअली व्यक्तिगत रूप से वो थे बहुत बड़े एक फिलोसोफर, टीचर एवं फिलंथ्रोपिस्ट, मानव सेवा के लिए ही अपनी ज़िंदगी को निछावर किए थे। शिक्षक होने के नाते वो शिक्षक को सभी शिक्षकों इतना ज़्यादा प्यार करते थे, सम्मान करते थे कि वो अपने बर्थडे को, जन्मदिवस को ना मना के वो उनके जन्मदिवस को सभी शिक्षक के लिए वो उत्सर्ग किए थे, जिसके कारण हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। हम सब लोग शिक्षक होने के नाते उनके दिखाया हुआ राह, वो थे प्रोफेशन लेकिन फिर भी बड़े से बड़े वो थे एजुकेशनिस्ट, शिक्षाविद, इसलिए उनके दिखाया राह में हम लोग चलेंगे और बदलते समय के साथ साथ कैसे शिक्षक को बदलना चाहिए, शिक्षक के एटीट्यूड्स, मनोभाव, काम सब कुछ बदल के छात्राओं के साथ, छात्र छात्री के साथ और समाज के हित के लिए कैसे खुद को और भी आगे बढ़ाया जाए, वही वर्तमान समाज के सभी शिक्षक करना चाहिए। शिक्षक दिवस जो कि महाराणा प्रताप बालिका इंटर कॉलेज सिविल लाइन गोरखपुर में आज रविवार के दिन शिक्षक दिवस का आयोजन हुआ था, जिसमें सभी शिक्षक शिक्षिकाओं ने प्रभावपूर्ण प्रदर्शन किया एवं सभी शिक्षक एवं शिक्षिकाओं को डायरी पेन हमारे महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के द्वारा किया गया। इसमें हमारी प्रिंसिपल मैम का भरपूर सहयोग रहा, जिनके वजह से आज ये रविवार का दिन बहुत ही सुगम और बहुत ही सुदृढ़ और सुंदर हुआ। मैं रसायन विज्ञान की प्रवक्ता हूँ और मुझे हम लोग जब संडे मनाते हैं तो एक नॉर्मल सी दिनचर्या होती है, लेकिन आज का दिन मुझे बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा लगा और आज का दिन शायद कभी ना भूलने वाला दिन हो, क्योंकि आज रविवार है। हम लोग सोमवार से शनिवार तक तो प्रत्येक दिन एक वर्किंग पीरियड होता है, लेकिन आज रविवार के दिन जिस तरह से टीचर्स डे महाराणा प्रताप बालिका इंटर कॉलेज सिविल लाइन गोरखपुर में मनाया गया, इसके लिए मैं अपनी प्रधानाचार्य
सुश्री कृष्णा चटर्जी मैम को तहे दिल से कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। कृष्ण जी का जन्मदिन एक ऐसे व्यक्तित्व का जन्मदिन जो और शिक्षा की है दोनों ही जीवन का बहुत प्रेरणा स्रोत रहा है सभी के लिए। वे बतौर शिक्षक विदेशों में भारतवर्ष। इसी के साथ गुड मॉर्निंग इंडिया में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।